हेलो फ्रेंड्स, आज हम दाल वड़ा बनाने का रेसिपी देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसका रेसिपी। एक बाउल में 1 कप चना दाल लेना है और इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करके इसे अच्छे से धो लेना है। यहाँ पे फिर से धो रहा हूँ मैं दोस्तों, हर चीज़ में 2 बार धोने की आदत रखता हूँ, आप भी 2 बार धो सकते हो। दाल जो है हमारा अच्छे से धुल चुका है। अब इसमें हम 2 ग्लास पानी ऐड करके इसे भीगने के लिए रख देंगे। इसे 2 से 3 घंटे भिगा के रख सकते हो आप। चलिए देखते हैं दोस्तों, 2-3 घंटे के बाद हमारा दाल जो है वो अच्छे से भीग चुका है और ये ग्राइंड करने के लिए तैयार है। अब ये ग्राइंडर में पूरा का पूरा दाल मैं ले लूँगा, क्योंकि क्वांटिटी जो है यहाँ पे कम है। अगर आपका क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 2 बार ग्राइंड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्रीन चिलीज ले लिया है। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे और 2 चम्मच नमक। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं ग्राइंड हुआ है या नहीं। ठीक से ग्राइंड नहीं हुआ है। अब इसे फिर से ग्राइंड करने के लिए रख देंगे। इसे ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखें यहाँ पे। अभी और थोड़ा सा ग्राइंड कर देंगे इसको। चलिए देख लेते हैं, आप देख सकते हो थोड़ा सा आधा ग्राइंड हो चुका है और आधा बचा है, तो इसे हम ऐसे ही रख देंगे। ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, ज़्यादा स्मूथली ग्राइंड नहीं करना है। अब ये पूरे मिक्सचर को एक बाउल में ले लेंगे। आप देख सकते हो दोस्तों, दाल के जो टुकड़े हैं वो दिख रहे हैं और कई कई जगह पे पूरा का पूरा दाल भी दिख रहा है। तो आपको इसी तरह से ग्राइंड करना है, ज़्यादा स्मूथली ग्राइंड नहीं करना है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता ले रहा हूँ, थोड़े से कटे हुए प्याज और थोड़ा सा धनिया। अब ये पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि नमक या मिर्च कम है तो यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक से मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे फ्लेम ऑन कर लेंगे और उस फ्लेम पे कढ़ाई रख देंगे। अब इस कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तेल जो है थोड़ा ज़्यादा ही रखना है आपको यहाँ पे, वड़े जो है अच्छे से फ्राई हो सकते हैं इससे। जब तेल रेडी हो जाएगा फ्राई करने के लिए, तब आप वड़े बनाना शुरू कर सकते हो। वड़े आप हाथ से ही बना सकते हो, इसके लिए कोई मशीन नहीं लगेगा आपको। सिर्फ हाथ पे उसे दबाते रहना है और थोड़ा सा इडली की तरह शेप में लाना है।
जब वो अच्छे से एक शेप में आ जाए उसे आप तेल में डाल सकते हो। चौथा वड़ा भी तैयार कर लिया है हमने, ये भी हम तेल में डाल देंगे। ज़्यादा वड़े तेल में नहीं डालना है, थोड़ा सा स्पेस रखना है और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते तब तक आपको फ्राई करते रहना है और इन्हें पलटते रहना है, नहीं तो एक ही साइड में ये फ्राई होंगे और दूसरे साइड ऐसे ही रह जाएंगे। इन्हें फ्राई करने के लिए 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको और तब तक आपको इन्हें पलटते रहना है। इनका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, लाइट ब्राउन कलर आ चुका है अभी। इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। हमारे दाल वड़े जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें हम एक छन्नी में ले लेंगे। आप देख सकते हो कलर जो है इनका गोल्डन ब्राउन हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक पेपर लिया है और पेपर में यहाँ पे डाल रहा हूँ क्योंकि इनका जो ऑयल है वो निकल जाएगा पेपर में डालने से। अब इसी तरह आपको बाकी राउंड्स भी रिपीट करने हैं। सेकेंड राउंड के जो वड़े हैं वो भी बन चुके हैं, आप देख सकते हो। इसी तरह मैंने सारे वड़े बना लिए हैं और हमारे वड़े जो है खाने के लिए तैयार हैं। एक आपको तोड़ के दिखाता हूँ, देख रहे हैं कितना क्रिस्पी है। अगर आपको वड़े चटनी के साथ खाना पसंद है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चटनी का रेसिपी भी देख सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।